आप सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, जिसका नाम है क्लियर सी एग्जाम्स। और हमारा विजन है टू हेल्प एवरीवन क्लियर सी एग्जाम्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि इतना डिले क्यों हो गया वीडियोस को आने में, तो देर आर सम अपडेट्स विच आर कमिंग कि सिलेबस को ड्रॉप हो जाएगा। प्रोविंस से भी बोली थी कि कुछ ड्रास्टिक चेंज होने वाला था। सो दैट इज़ द रीजन वाई वी आर नॉट अपलोडिंग द वीडियोज कि कौन सा चैप्टर कट हो जाए। वी आर एक्सपेक्टिंग मोर दिस टाइम कि और रिडक्शन होगा। अब जैसे SFM की बात किया जाए तो चलिए देखते हो उसमें क्या क्या रिडक्शन, आई होप आपने देख लिया होगा अभी तक। फिर भी हम लोग देखते हैं, BOS अनाउंसमेंट सेक्शन में जाइए, फिर अपना फाइनल कोर्स है उस पर क्लिक करते हैं, मॉडिफिकेशन इन स्कोप ऑफ द सिलेबस, और उसमें ये मॉडिफिकेशन हुए। तीन चैप्टर्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है, जिसमें से हमने एक चैप्टर पढ़ लिया है, दैट इज चैप्टर नंबर 2 इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। फिर आता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, ये चैप्टर नंबर 15 है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस चैप्टर नंबर 17 है। ये तीन चैप्टर एक्सक्लूड हुए हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग मोर, लेकिन वो हुआ नहीं, इसीलिए मैंने वीडियोज अपलोड नहीं किए थे, क्योंकि फिर वो मैं अगर अपलोड कर देता तो फिर आपको यूज़ में नहीं रहता। जैसे कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हमने अपलोड कर दिया था, इसलिए वो बाद में अब यूज़ में नहीं है, आप उसको मत पढ़िएगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो है चैप्टर नंबर 2। ओके, सो लेट्स स्टार्ट और वी वर डूइंग इन द SFM। देर आर सम चेंजेस इन ईच सब्जेक्ट, जो जैसे FR पढ़ेंगे तो FR का एक्सक्लूजन पे बात करेंगे। अभी चलते हैं सीधा। अच्छा, अगर एक बार बताया क्या है SFM में एक्सक्लूजन, क्या क्या है, क्या क्या एक्सक्लूड हुआ है। ये क्या है भाई, तो पहला है अपना चैप्टर नंबर 2 और एक 15 और ये है 17। ये स्मॉल एंड मीडियम वाला है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये तीनों चैप्टर्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है। सो दैट मेक्स अस अ लिटिल बिट हैप्पी, बट मैं सोच रहा था एटलीस्ट 4-5 चैप्टर एक्सक्लूड हो सकते हैं, बट हुआ नहीं, चलिए। बट FR में बहुत सारे रिडक्शंस हुए हैं, फिर भी जो हुआ है बहुत हुआ है, एटलीस्ट कुछ तो हुआ रिडक्शन इन आवर वॉस सिलेबस। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट वी वर डूइंग व्हाट चैप्टर नंबर थ्री में हमने बात की थी कुछ टाइप्स ऑफ रिस्क फेस बाय ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें से फाइनेंशियल रिस्क को हमने इवेल्युएट किया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी हैं तो जल्दी से जाके देख लीजिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ रिस्क फेस बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, किस किस प्रकार के रिस्क फेस किए जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। स्ट्रैटेजिक रिस्क हो सकता है, कंप्लायंस रिस्क हो सकता है, ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है, फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है। और फाइनेंशियल रिस्क में बहुत सारे पार्ट है, जिसमें करेंसी है, पॉलिटिकल रिस्क है, और उसको हमने थोड़ा सा इवेल्युएट भी किया था, उसके बारे में और भी डिटेल में बात की थी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से देख लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक जो है वो है वैल्यू एट रिस्क। सुन के क्या लग रहा है, वॉर, VAR लिखा हुआ है, वॉर तो पढ़ेंगे नहीं, वार है, ठीक है। वैल्यू एट रिस्क, कितना वैल्यू आपका रिस्क पे है, अगर इसका हिंदी में ट्रांसफर किया जाए तो क्या मतलब निकलेगा। वैल्यू एट रिस्क, What does it mean? It means कि आपका क्या value risk पे है? What value at risk? Okay? Simple सी बात है, आपका कितना पैसा risk पे है? Value, we are considering here money because we are studying what? Strategic financial management, जिसमें हर वक्त पैसे की बात होती है। As per Wikipedia, as per ICAI लिख देते, अब इनको definition नहीं मिला तो Wikipedia पे चले गए। As per Wikipedia, war is a measure of risk management. मैं war बोल रहा हूँ, I hope you understand. तो ये क्या है, It's a measure of risk of investment.
आदमी कोई इन्वेस्ट करता है, कोई एक आदमी अगर इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो उसमें कितना रिस्क है उसको मेजर करना है। ओके, इन्वेस्टमेंट के रिस्क को मेजर करना, दैट इज व्हाट द वैल्यू एट रिस्क मींस। हमने इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपया, अगर उसमें कितना पैसा डूब सकता है कितना समय में, और उसमें कुछ कंडीशन से देखते हैं कि कैसे, मतलब कंडीशंस क्या गिवन। कुछ कंडीशंस हैं द नॉर्मल मार्केट कंडीशन इन अ सेट ऑफ पीरियड। नॉर्मल मार्केट कंडीशन रहेगा, कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा। से वन डे इट एस्टिमेट हाउ मच एन इन्वेस्टमेंट मे लूज, और एक मतलब एक टाइम पीरियड के लिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 10 लाख रुपया में अगर 1 साल में मेरे को रिटर्न देखना है, या फिर कितना लॉस हो सकता है, कितना वॉर है, VAR वैल्यू एट रिस्क कितना है इसमें, सो वी कैन गेट इट फ्रॉम देयर। दिस इन्वेस्टमेंट कैन बी अ पोर्टफोलियो, या वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट डज द पोर्टफोलियो मीन्स। पोर्टफोलियो मीन्स सिर्फ आप एक कंपनी के शेयर होल्डर्स नहीं हो, यू हैव इन्वेस्टेड इन सेवरल कंपनीज, और यू हैव मेड इन्वेस्टमेंट्स इन सेवरल कंपनीज, दैट इज व्हाट योर पोर्टफोलियो इज। ओके, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट और फॉरेन एक्सचेंज एटसेट्रा, बी इट पोर्टफोलियो, या फिर आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है कोई अपना वेंचर में, या फॉरेन एक्सचेंज में आपने पैसा लगाया, तो ये वहां का रिस्क मेजर करके आपको रिजल्ट दे सकता है। दीज हैव स्पेसिफिक फॉर्मूलाज, इसमें कुछ प्रैक्टिकल हैं जो हम लोग थ्योरी पढ़ने के बाद करेंगे। वॉर आंसर टू बेसिक क्वेश्चन, हमारे दो क्वेश्चंस का आंसर कर सकता है। अगर मैं अगर इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मैं दो तीन क्वेश्चंस, मतलब रिस्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमारे मन में रहेंगे, तो उसको आंसर करने के लिए वैल्यू एट रिस्क इज द परफेक्ट सॉल्यूशन। व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनारियो, मैं अगर 10 लाख लगा रहा हूं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कितना लॉस हो सकता है, दैट इज व्हाट वैल्यू एट रिस्क कैन टेल यू। नाउ व्हाट विल बी द लॉस, हाउ मच विल बी द लॉस, एंड व्हाट इज द व्हाट विल बी द वर्स्ट सिचुएशन, क्या लॉस होगा, और हमारा वर्स्ट सिचुएशन सिनारियो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा और कितना लॉस होगा, दो सिचुएशन का आंसर हमें मिल जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर एक इंडिविजुअल पैसा लगाता है, ब्लैक पे ब्लैक चला रहे हैं, अगर एक इंडिविजुअल अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उसको दो चीज रहेगा कि भाई लॉस कितना होगा, प्रॉफिट जो हो तो ठीक ही है, लॉस कितना होगा और हाईएस्ट लॉस कितना होगा, या फिर वर्स्ट सिचुएशन क्या हो जाएगी। ठीक है, प्रॉफिट का कैलकुलेशन नहीं करते हम लोग, लॉस का कंजर्वेटिव अपने हम, तो कंजर्वेटिव अप्रोच की तरह अपने लॉस को मेजर करते हैं अपने, कि लॉस ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है। इट इज फर्स्ट अप्लाइड इन 1992 इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 1922। मैं तो भी पाकिस्तान का 1992 का सिनेरियो चल रहा है ना, वही बात आ जा रही है, वर्ल्ड कप की बात कर रहा था। इट वॉज फर्स्ट अप्लाइड इन 1922 इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शुरू नहीं हुआ हुआ, ये है न्यूयॉर्क NY स्टॉक एक्सचेंज का। एंटर द फाइनेंशियल वर्ल्ड इन 1990s एंड बिकम वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली यूज मेजर ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। सो बेसिकली अभी जिसको भी रिस्क मेजर करना है तो दे कैन अप्लाई वैल्यू रिस्क। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द VAR, इनके क्या क्या फीचर्स हैं, लेट्स सी। फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ द VAR, कंपोनेंट्स ऑफ द कैलकुलेशन। VAR कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग थ्री कंपोनेंट्स, फीचर मतलब इनकी क्या क्या काम है, क्या 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 कर सकते हैं उसमें, ये है कैलकुलेशन कर सकते हैं, आई मीन क्या क्या चीजें इसमें लगती है। कंपोनेंट्स ऑफ द कैलकुलेशन जिसमें से तीन चीजें हैं, टाइम पीरियड, कॉन्फिडेंस लेवल, लॉस इन परसेंटेज और इन अमाउंट, तीन चीजों पर बेस्ड रहेगा कि कितने टाइम पीरियड के लिए आप VAR कैलकुलेट कर रहे हो। कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, जनरली होता है
95 इसमें एक नहीं दिया हुआ है, इसके ऊपर बात करेंगे कॉन्फिडेंस लेवल की। हमें इतना पता है कि 10 लाख में से सपोज करो 1 लाख का लॉस होगा, 95% हम श्योर हैं। जब मैं वैल्यू वी आर निकालूंगा कॉन्फिडेंस लेवल 99 से सपोज करो, तो 10 लाख इन्वेस्टमेंट से मेरा अगर वी आर आया जो बोला कि आपका 10 लाख में से 1 लाख रुपए नुकसान हो सकता है, तो हम वो 99% श्योर है। लेकिन 1% का जो चांस है वो 10 लाख तक का भी नुकसान हो सकता है, समझ रहे हो? एक मिनट में बताता हूँ। मैं 99% श्योर हूं कि मेरा जो वी आर से वैल्यू आएगा उतना लॉस होगा, लेकिन 1% उससे ज्यादा भी हो सकता है, 1% वो श्योर नहीं हो। अब इनके ये 95% भी हो सकता है और तब 5% आएगा। द लेस द कॉन्फिडेंस लेवल मोर द रिस्क, ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल है तो रिस्क कम रहेगा, जैसे यहाँ पे 1% है। ये कैलकुलेशंस के कंपोनेंट्स है, तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें जरूर यूज होगा। लॉस इन परसेंटेज और इन अमाउंट, लॉस परसेंटेज में आएगा या अमाउंट में। फिर स्टैटिस्टिकल मेथड, ये क्या है? एक स्टैटिस्टिकल मेथड है, स्टैट्स पे बेस्ड, इट इज टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन पे बेस्ड है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपने पढ़ा होगा कि कितना ऊपर नीचे जाएगा, कितना चेंज होगा पॉजिटिव और निगेटिव, दैट इज हाउ स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर दोज थिंग्स, स्टैंडर्ड डेविएशन उसको मेजर करता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसके फॉर्मूले में यूज होगा, जिससे हम लोग अमाउंट निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे लॉस का। टाइम होरिजन, वी आर कैन बी अप्लाइड फ्रॉम डिफरेंट टाइम होरिजन, से 1 day, 1 week, 1 month और एंड सो ऑन, 1 साल, 10 साल, इट कैन बी अप्लाइड इन एनी टाइम होरिजन। बट कैन से प्रोबेबिलिटी, एज्यूम द वैल्यूज आर नॉर्मली एट्रीब्यूटेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम लॉस कैन बी प्रेडिक्टेड। हम क्या एज्यूम करते हैं? हम एज्यूम करते हैं कि ये नॉर्मली एट्रीब्यूटेड है, कोई उसमें अबनॉर्मल चीज नहीं होगी। जो अभी सिनारियो है वो दैट विल बी कंटिन्यू फॉर अ टाइम होरिजन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम लॉस कैन बी प्रेडिक्टेड, इसमें हम प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम लॉस की हम लोग बताते हैं। कंट्रोल रिस्क, रिस्क कैन बी कंट्रोल बाय सेलिंग लिमिट्स ऑफ द मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम लॉस पे अपने सेलिंग लिमिट लगा के कंट्रोल रिस्क, रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे को पता है कि ये मैक्सिमम लॉस इतना है, तो वहां पे अपने लगा देंगे कि वहां पे अपना जब शेयर आए तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाए, उससे ज्यादा अपने लॉस नहीं झेल सकते। फिर बात आती है जेड स्कोर। जेड स्कोर इंडिकेट्स हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशंस इज अवे फ्रॉम मेन वैल्यू ऑफ अ पॉपुलेशन व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड विद स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स वीएआर। जेड स्कोर इंडिकेट्स हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशन अवे फ्रॉम द मेन वैल्यू। अब ये प्योरली फॉर्मूला की बात है, फॉर्मूला में जेड स्कोर रहता है। जेड स्कोर क्या इंडिकेट करता है? कि कितने स्टैंडर्ड डेविएशन मीन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन से। एक पॉपुलेशन का मीन वैल्यू आप स्टैंडर्ड डेविएशन में पढ़े होंगे कि कैसे मीन वैल्यू निकाला जाता है, फिर उसको जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको प्रोवाइड होता है, इट प्रोवाइड्स वीएआर। ये है जेड स्कोर का काम, दैट वी विल डिस्कस इन एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूलाज। सिंपली बात यह है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जब मीन से डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो वो वीआर देगा। एप्लीकेशन ऑफ वीआर, वीआर कैन बी अप्लाइड, अभी कहां कहां अप्लाइड हो सकता है एप्लीकेशन वीआर कैन बी अप्लाइड टू मेजर द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। जी हाँ, ऑन एनी पोर्टफोलियो और ट्रेडिंग पोजिशन एज अ बेंचमार्क ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग। आज हमारा लॉस कितना हो सकता है, हमारी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, उसके ऊपर भी बात करेगा। टू फिक्स limits for individual dealing in the front office of a treasury, limits for individual dealing in the front office की अगर आप deal कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना loss इसमें है या नहीं है। to enable the management to decide the trading strategy, अगर हमें VAR पता चल जाए तो जिसमें कम loss है हम वहाँ investment करेंगे या फिर अपना strategic decision लेंगे उसके ऊपर based। एज ए टूल फॉर एसेट एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट स्पेशली इन द बैंक्स, बैंक्स के लिए बहुत बड़ा टूल है एसेट्स और लाइबिलिटीज को मैनेज, उनके पास जो एसेट्स और लाइबिलिटीज है उसको मैनेज करने के लिए उनको भी इन्वेस्टमेंट करना रहता है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करें कहाँ नहीं करें उसके हिसाब से।
फिर इसका एक एग्जाम्पल है जो कि अपने प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी उसको नहीं करेंगे, पहले थ्योरी देख लेते हैं। आगे आता है एप्रोप्रिएट मेथड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल रिस्क। एज वी हैव, क्या एप्रोप्रिएट मेथड्स हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल रिस्क? सिंपल सा दो हेडिंग में दो बातें हैं, मेथड की बात हो रही है, उसको किस मेथड कहाँ यूज होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है और उसको मैनेज करना है। सो उसके लिए क्या अप्रोप्रिएट मेथड होगा? एज वी हैव क्लासिफाइड फाइनेंशियल रिस्क इन फोर कैटेगरीज, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, वी शैल डिस्कस आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ईच रिस्क सेपरेटली अंडर द सेम कैटेगरी। चार फाइनेंशियल रिस्क होते हैं जो अभी हमने प्रीवियस वीडियोज में पढ़ा था, दैट इज चैप्टर नंबर 3 का वीडियो नंबर 1, फाइनेंशियल रिस्क। नाउ इट कम्स काउंटर पार्टी रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, करंट रिस्क, करेंसी रिस्क। तब इसकी क्या, इसको कैसे, इसमें फाइनेंशियल रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करना है और उसको कैसे मैनेज करना है, उसके क्या अप्रोप्रिएट मेथड्स हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। हमारा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी छूटा है, और भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा, उसको हम लोग करेंगे, पहले थ्योरीज को कंप्लीट करते हैं। काउंटर पार्टी रिस्क, द वेरियस हिंट्स दैट मे प्रोवाइड काउंटर पार्टी रिस्क आर एज फॉलोज। फेलियर टू ऑब्टेन नेसेसरी रिसोर्सेज टू कम्पीट विद द प्रोजेक्ट और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन। द वेरियस हिंट्स दैट मे प्रोवाइड काउंटर पार्टी रिस्क आर एज फॉलोज। कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये सारी चीजें आपको बता सकती हैं कि आप जब ये सिचुएशन आए तो आप समझ लो कि फाइनेंशियल रिस्क आने वाला है काउंटर पार्टी, अंडर द काउंटर पार्टी रिस्क दूसरे पार्टी से। फेलियर टू ऑप्टेन नेसेसरी रिसोर्सेज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन। जैसे आपका कोई और कॉम्पिटिटर है, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, आप उससे ज़्यादा समय लेते हो उसको कंप्लीट करने के लिए, तो रिस्क तो है। एनी रेगुलेटर रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है तो फिर आपके ऊपर रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क, आपका बिजनेस ठप होने का आशंका है। हॉस्टाइल एक्शन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, हॉस्टाइल एक्शन, अगर फॉरेन गवर्नमेंट द्वारा अगर कोई गलत एक्शन लिया गया, जैसे पाक से अगर कुछ हो गया पाकिस्तान से, लेट डाउन बाय द थर्ड पार्टीज, थर्ड पार्टीज जो आपकी थी उनसे आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो भी फाइनेंशियल रिस्क है, या फिर आप बन गए हो दिवालिया, इंस्टॉलमेंट हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस में एक रिस्क क्रिएट करती हैं। While we are talking about the counterparty risk, और आप, मैं बोल रहा था ये financial risk के अंडर में, अब जैसे यहाँ पे counterparty risk है, the risk come occurs due to non-honoring or obligation by the counterparty, which can be failure to deliver the goods or for the payment already made or vice versa or repayment of the borrowing. Thus the risk also cover the credit risk and default risk. Suppose आप जिस पार्टी के लिए काम कर रहे हो, आप के साथ अगर उसका कोई फेलियर हो जाए, पेमेंट नहीं आए, तो जिस पार्टी के लिए आप काम कर रहे हो या फिर आपका कॉम्पिटिटर, तो उससे आप लड़ नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं, फेलियर्स टू ऑप्टेन नेसेसरी रिसोर्सेज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट्स और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन, कोई रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शन है, हॉस्टाइल एक्शन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, लेट डाउन बाई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी द्वारा आपको धोखा मिल गया, हैव बिकम इंसॉल्वेंट, या फिर आप खुद दिवालिया हो गए। द वेरियस टैक्स to manage this type of risk are as follows: carrying and due diligence before dealing with the third party. आप पहले से ही तैयार रहो, सारी due diligence लगा लो अपनी, की मतलब identify कर लो कि क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, तो उसको पहले से ही उसको identify कर लो। Do not ओवर कमिट टू अ सिंगल एंटिटी और ग्रुप ऑफ कनेक्टेड एंटिटीज। आप अगर जिस पार्टी के लिए काम कर रहे हो उससे आप ओवर कमिट मत करो, बोलो कि डेडलाइन 2020 मत कर दो, जब आपको लगता है कि 2022 तक काम चलेगा तभी कंप्लीट होगा। नो योर एक्सपोजर लिमिट,
आपको पता होना चाहिए कि आपके औकात क्या है, एक्सपोजर लिमिट मतलब मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मेरे पास किन किन चीज़ों का एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है। रिव्यू द लिमिट्स एंड प्रोसीजर्स फॉर द क्रेडिट अप्रूवल रेगुलरली। जो आपको लोन देते हैं उनको रिव्यू करिए लिमिट्स को, कि हमारा रिव्यू द लिमिट्स एंड प्रोसीजर्स फॉर क्रेडिट अप्रूवल रेगुलरली। आपका क्रेडिट रेटिंग गिरना नहीं चाहिए क्योंकि आपको फाइनेंशियल्स की ज़रूरत हमेशा पड़ती है, तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपकी क्रेडिट अप्रूवल खराब हो। रैपिड एक्शन इन द इवेंट ऑफ लाइकलीहुड ऑफ द डिफॉल्ट, जैसे डिफॉल्ट दिखे तुरंत एक्शन इज अ रैपिड एक्शन। यूज़ ऑफ द परफॉर्मेंस गारंटी, यूज़ करिए परफॉर्मेंस गारंटी को, इंश्योरेंस एंड अदर इंस्ट्रूमेंट, परफॉर्मेंस गारंटीज, इंश्योरेंस और इंस्ट्रक्शन, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अगर मैं इंश्योरेंस करा लिया तो अगर कोई दिक्कत हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी विल बियर दैट, सो दैट इज हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर काउंटर पार्टी रिस्क। नाउ कम्स द मोस्ट टॉक्ड पॉलिटिकल रिस्क। सिंस द रिस्क मेनली रिलेट्स टू द इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्री, कंपनी शुड एक्सेस एसेस कंट्री। कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल रिस्क अगर आप कहीं दूसरे जगह इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पे फेस होती है कि आपको काम नहीं करने मिल रहा है, सरकार आपके साथ नहीं है, तो उसमें क्या है, कैसे आइडेंटिफाई, बाय रेफरिंग पॉलिटिकल रैंकिंग पब्लिश बाय द डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको सपोज करिए चाइना, इंडिया, रशिया, म्यांमार, ताइवान का इन्वेस्टमेंट करना है तो आप उनकी रेटिंग देखिए, कैसी सरकार है, मिलीजुली सरकार है या फिर फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट है, तो उनकी रेटिंग से आपको उनका आपके साथ रिलेशन कैसा है, तो उन सारी चीज़ों को इवेल्युएट करिए। पॉलिटिकल रेटिंग देखिए कि कैसे ये लोग फंक्शन करते हैं, इन्वेस्टमेंट इनको लाना पसंद है या नहीं। बाय इवेल्युएटिंग कंट्रीज मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन जो कि छोटे छोटे बिजनेसेस से रिलेटेड है, या फिर मतलब कंट्री की इकोनॉमिक्स को ध्यान से देखिए, माइक्रो लेवल पे देखिए, माइक्रो लेवल पे मत देखिए, बड़े लेवल पे देखिए। बाय एनालाइजिंग द पॉपुलैरिटी ऑफ द करंट गवर्नमेंट एंड एक्सेस देयर स्टेबिलिटी। जी हाँ, अब जैसे कि हमारे यहाँ मोदी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, तो एक्सेस देयर स्टेबिलिटी, और वो स्टेबल है, जी हाँ बिल्कुल स्टेबल है, फुल मेजोरिटी में है, तो दिस टाइम दे विल गेट मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जो लोग को इन्वेस्टमेंट करनी है दे डैम लुक फॉर द स्टेबल गवर्नमेंट, क्यों कोई मिलीजुली सरकार के रहते हुए पैसा लगाएगा। बाय टेकिंग एडवाइजेस फ्रॉम द एम्बेसीज ऑफ द होम कंट्री इन द होस्ट कंट्री। देखिए हर कंट्री का एक एम्बेसी होता है दूसरे कंट्रीज में, जैसे कि अमेरिका का एम्बेसी है इंडिया में, तो एम्बेसी में जो लोग काम करते हैं तब उनसे एडवाइस लीजिए कि क्या यहाँ पे पॉसिबल है, हम लोग कर सकते हैं, बिकॉज दे नो बेटर देन एनी अदर वन। फर्दर फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज टू मिटिगेट दिस रिस्क, क्या क्या हैं चीज़ें जिससे आप इसको खत्म कर सकते हैं। लोकल सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर, हाँ अगर आप लोकली रॉ मटेरियल और लेबर लेंगे तो आपको क्या होगा ना कि आप उस कंट्री की इकोनॉमी को भी बूस्ट करेंगे और वहाँ के लोगों को जॉब भी देंगे, तो देर विल बी अ कनेक्शन बिटवीन यू एंड द, जब भी आप लेबर यूनियन से जब आप काम करते हो तो आपको कोई रिस्क नहीं होगा क्योंकि आप जॉब जनरेट कर रहे हो। एंट्री इन टू द जॉइंट वेंचर, जैसे कि जॉइंट वेंचर के टाटा डोकोमो का था जॉइंट वेंचर एक विदेशी कंपनी के साथ, तो आप जॉइंट वेंचर में काम कर सकते हो, यहाँ पे आओ दूसरी कंपनी के साथ हाथ मिलाओ। लोकल फाइनेंसिंग करो, लोकल बैंक से फाइनेंस लो, प्रायर नेगोशिएशन कर लो, भैया पहले से नेगोशिएशन कर लो कि आपको लैंड कहाँ चाहिए, फैक्ट्री कहाँ लगेगी, कितना रुपया है, क्या है, कैसे, प्रायर नेगोशिएशन कर लो। जैसे एप्पल वाले बोले थे, एप्पल वाले अभी अपना प्लांट लगाएंगे। From the following action by the governments of the host countries that risk can be identified. The risk can be identified: insistence on resident investment investors or labor, restriction on conversion of currency, repairing of foreign assets of local government, price fixation of the products. देखिए इन सारी चीजों से आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंसिस्टेंस क्या क्या इंसिस्ट
है ऑन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स और लेबल। देखो आप रिलाई नहीं कर सकते, जैसे कि रिलायंस जियो पे अगर आप ज्यादा इंसिस्ट करते हो, फॉरेन कंपनीज को ज्यादा बढ़ावा नहीं देते हो, तो देर इज अ रिस्क कि वो आपका साथ ना दे दूसरे के, तो इसलिए गवर्नमेंट के साथ आप बात करिए। रेस्ट्रिक्शन ऑन कन्वर्जन ऑफ द करेंसी, अगर आपके करेंसी की कन्वर्जन पे कोई रेस्ट्रिक्शन है कि आप इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते या फिर यहाँ की करेंसी आप बाहर नहीं ले जा सकते, तो फिर आप वो देख लीजिए, रिस्क है। रिपेट्रिएशन ऑफ फॉरेन एसेट्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट क्या फॉरेन एसेट्स को बैन कर सकती है, कुछ कर सकती है, क्या रूल्स हैं उनको देखिए। प्राइस फिक्सेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स का अगर आप प्राइस फिक्स कर देते हो, जैसे कि गुजरात में स्कूलों के प्राइसेस फिक्स हैं, तो कोई भी स्कूल का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा वहाँ पे नहीं आपको दिखेगा बड़े बड़े स्कूल्स का, क्योंकि वहाँ पे एक फिक्स प्राइस्ड है कि आपका स्कूली फीस 1,000 रुपये है, 1,500 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा, तो वहाँ पे ग्रोथ नहीं है। आप बिजनेस मॉडल को बस स्केल पे ले जा सकते हो, और इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, स्केल पे ले जाना थोड़ा मुश्किल है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल। फिर बात आती है इंटरेस्ट रेट रिस्क। जनरली इंटरेस्ट रेट रिस्क इज मेनली आइडेंटिफाइड फ्रॉम द फॉलोइंग मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, आरबीआई बेसिकली। एनी एक्शन ऑफ बाय द गवर्नमेंट सच एज डिमोनेटाइजेशन, ओहो अपडेटेड वर्जन है ये तो, 2016 के बाद का है लग रहा है। डिमोनेटाइजेशन, जैसे गवर्नमेंट द्वारा कोई एक्शन लिया गया है तो उससे दिक्कत होती है, हमारे इंटरेस्ट रिस्क ऊपर नीचे जा सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट मतलब आप लोन ले रहे हो उसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी हैम्पर होगा, डिमोनेटाइजेशन से 2 क्वार्टर तक दिक्कत हुई थी। रिलीज ऑफ द इंडस्ट्रियल डेटा, इंडस्ट्रियल डेटा क्या सही से रिलीज होता है ना, इन्वेस्टमेंट बाय द फॉरेन इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट आ रही है नहीं आ रही है, अगर आएगी तो हमारा देश का फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा और अपने रुपए की वैल्यू भी बढ़ेगी। स्टॉक मार्केट चेंजेस, स्टॉक मार्केट क्या रुख बता रहा है, कैसा चल रहा है स्टॉक मार्केट। द रीअरेंजमेंट ऑफ द इंटरेस्ट रिस्क हैज बीन डिस्कस्ड इन अ ग्रेट डिटेल इन अ सेपरेट चैप्टर लेटर, द रीअरेंजमेंट ऑफ द, अब इसका ये पूरा एक चैप्टर है इंटरेस्ट रेट रिस्क, तो उसमें अपने डिटेल में बात करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब इतना क्यों दिया यहाँ पे तो इन सारी चीजों से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है, मतलब किन किन सिचुएशंस में अराइज हो सकता है। फिर बात आती है करेंसी रिस्क, जस्ट लाइक इंटरेस्ट रेट रिस्क द करेंसी रिस्क इज डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट एक्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गवर्नमेंट के एक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी करेंसी का रिस्क डिपेंड करता है। जैसे कि अगर कोई भी एक्शन ऐसा लिया जाता है जिससे कि हमारी करेंसी की वैल्यू खराब होती है या फिर उसमें कोई अप्स एंड डाउन आता है, तो वो गवर्नमेंट के एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपना जीडीपी कैसे ग्रो कर रहा है, हमारी एक्सपोर्ट्स क्या क्या हैं, हम इम्पोर्ट कितना करते हैं। सम ऑफ द पैरामीटर्स टू आइडेंटिफाई द करेंसी रिस्क आर एज फॉलोज, कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। गवर्नमेंट एक्शंस, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, नेचुरल कैलामिटीज, गवर्नमेंट एक्शंस, द गवर्नमेंट एक्शन ऑफ एनी कंट्री हैज़ अ विजुअल इम्पैक्ट ऑन इट्स करेंसी, कोई भी अगर आप डिसीजन लेती है आपकी सरकार, तो उससे करेंसी पे एक इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल द यूके गवर्नमेंट डिसीजन्स टू डाइवर्स फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन ब्रेग्जिट थ्रो द पाउंड इन द लोवेस्ट सिंस 1980s। ब्रेग्जिट मतलब एक यूरोपियन यूनियन, यूरोप का एक बहुत मतलब यूरोपियन कंट्रीज का एक यूनियन है जिसमें से यूके भी है, जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, तो इन सारों का एक यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, तो यहाँ पे वीजा एक ही लगता है, आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री आराम से जा सकते हैं, उसमें से ब्रेग्जिट हुआ। ब्रेग्जिट मतलब ब्रिटेन दैट इज यूनाइटेड किंगडम वॉन्ट्स टू एग्जिट फ्रॉम दैट यूरोपियन यूनियन, अभी हुआ नहीं है वो, बट जैसे ये न्यूज आई तो पाउंड का जो वैल्यू है, यूके की जो करेंसी है, वो 1980s के लोएस्ट तक चली गई, इतना गिरावट हुआ उसमें। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, एज पर इंटरेस्ट रेट पैरिटी IRP द करेंसी एक्सचेंज रेट डिपेंड्स ऑन द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ द कंट्री, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या है, कितने पे आप लेंडिंग करते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है करेंसी की वैल्यू। इन्फ्लेशन रेट, परचेजिंग पावर, पैरिटी थ्योरी डिस्कस इन द लेटर चैप्टर्स इम्पैक्ट द वैल्यू ऑफ द करेंसी, इन्फ्लेशन रेट भी डिपेंड इम्पैक्ट करता है, इसके ऊपर अपने डिटेल में बात करेंगे। जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन रहेगा डिमांड बढ़ेगी, लोग पैसा ज़्यादा खर्च करेंगे,
फिर उससे भी अपनी करेंसी की वैल्यू डिपेंड करते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन अब 20% 25% बढ़ रहा है हर बार, तो वहाँ की करेंसी डॉलर के मुकाबले भी 140 150 पे चली गई, इंडिया की 70 के आसपास है। तो दैट इज़ हाउ द इन्फ्लेशन कैन इन्फ्लुएंस योर करेंसी। नेचुरल कैलामिटीज़, हाँ अगर कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आ गई तो भाई कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट, वाटर कॉप रिवोल्यूशन एट्सेट्रा, ऑल दीज एक्शंस कैन हैव फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन करेंसी एक्सचेंज। वॉर हो गया, आई एम सॉरी वॉटर मैंने बोला था, वॉर हो गया, रिवोल्यूशन हो गया, मतलब कोई भी झगड़ा लड़ाई होगा तो आपकी करेंसी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, जी हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी जैसे कि मोदी गवर्नमेंट दूसरी बार आई है तो 5 साल + 5 years, तो ये 3 साल एक स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी तो हमारी करेंसी भी स्टेबल रहेगी। जैसे पिछली सरकारों के हिसाब से अगर आप कंपेयर करो जो भी प्रीवियस 5 years था गवर्नमेंट का, तो उसमें क्या हुआ, करेंसी में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, 2-5% अपना करेंसी डॉलर के मुकाबले बढ़ा, जबकि प्रीवियस गवर्नमेंट्स में जो कि मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं थी तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आ रहे थे हमारे करेंसी में, बहुत ज़्यादा बढ़ा हमारा करेंसी का वैल्यू। द चेंज ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स एटीट्यूड टूवर्ड्स द फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो हेल्प्स आइडेंटिफाई द करेंसी रिस्क। अब जैसे कि होता है कि जैसे मोदी गवर्नमेंट की बात करें, बीजेपी बोलना चाहिए मेरे को, डेमोक्रेसी, ओके, तो वहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट का आने से एक चीज़ रहता है कि वो लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को बुलाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव रहते हैं, उनको FDI में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी छूट दी जाती हैं कि आप 100% FDI कर लो, 50% FDI कर लो, नॉर्म्स थोड़ी स्टेबल रहते हैं। वेल वंस द कांग्रेस कम्स तो लोगों के अंदर इनस्टेबिलिटी रहती है कि भाई क्या करें क्या नहीं करें, ऐसा कुछ, मतलब एज अ बिजनेस पर्सन माइंडसेट बिजनेस वाले लोग हमेशा बीजेपी को पसंद करते हैं, बट GST और डिमोनेटाइजेशन भी उनको याद है। ओके लेट्स मूव, यहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट के बारे में बात थोड़ी नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे रिस्क को हमने आइडेंटिफाई किया और मैनेजमेंट के लिए कुछ पॉइंट्स देखे, जिसमें से इंटरेस्ट रेट रिस्क का पॉइंट्स अपने अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है सो फार एज द मैनेजमेंट ऑफ द करेंसी रिस्क इट इज कवर्ड इन डिटेल इन सेपरेट। अब इसका करेंसी रिस्क का भी इसको डिटेल में हमने कवर करना है मैनेजमेंट के बारे में, करेंसी रिस्क और IRR इंटरेस्ट रेट रिस्क दोनों का मैनेजमेंट अपने बाद में करेंगे। अब हमारे पास दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने करेंगे अपने अगले वीडियोस में, जैसे कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पे है और एक क्वेश्चन अपने बीच में दिया है, और ये सिंपल है, इसको कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर पे, मतलब वॉर का फॉर्मूला लगा के, जैसे कि सपोज यू होल्ड 2 करोड़, 2 करोड़ अपने इन्वेस्टमेंट की है एक्स लिमिटेड में, जिसका मार्केट प्राइस स्टैंडर्ड डेविएशन, मार्केट प्राइस में 2% स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब ऊपर नीचे हो रहा है पर डे हर रोज, एजिविंग 252 मतलब 252 दिन अगर साल में ट्रेडिंग होती है, जैसे सैटरडे और संडेज ऑफ रहते हैं और कोई नेशनल हॉलीडेज रहते हैं तो भी ऑफ रहते हैं। डिटरमाइन मैक्सिमम लॉस लेवल ओवर द पीरियड ऑफ 1 ट्रेडिंग डे, एक दिन में मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, एंड 10 डे 10 दिन में कितना हो सकता है विथ 99% कॉन्फिडेंस लेवल, 99% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ, ओके तो मतलब आपको ये सारे डेटा हैं और उसको आपको टर्न करके फॉर्मूले में फिट करना है। तो प्रैक्टिकल्स को अलग रखेंगे, सेपरेट हो जाएगा तो आपको फ्यूचर में भी थ्योरी पढ़ के प्रैक्टिकल करने में इजी होगा, बट मैंने क्वेश्चन बता दिया। सो आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिए। और डिले बस सिलेबस रिडक्शन की वजह से हो रहा था, सिलेबस रिडक्शन होने वाले थे इसीलिए मैं ये नहीं कर पा रहा था, सो वी विल ट्राई टू कंटिन्यू दिस मोर एंड मोर ऑफन। और बस थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर और शुक्रिया, बाय फॉर नाउ।